स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने निर्मित किया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी स्वीडन, डी फिनलैंड। आंसर बी भारत। एक्सप्लेनेशन, 100% बायोडिग्रेडेबल पेन को भारत में लॉन्च किया गया। इस पेन के निर्माता नई दिल्ली के एक स्थिरता अन्वेषक सौरभ एच मेहता ने अपने परिवार के प्लास्टिक पेन व्यवसाय से हटकर इस पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को विकसित किया। यह अभूतपूर्व पेन पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बना है, जिसमें एक ऐसी बॉडी है जिसमें धातु, कागज या बांस शामिल हो सकते हैं, और यह गैर विषाक्त स्याही का उपयोग करता है। रिफिल को रिसाइकल किए गए कागज से बनाया गया है, जो इसके संधारणीय डिजाइन पर जोर देता है। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए नया टीका विकसित किया है? ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आंसर ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। एक्सप्लेनेशन, इस वैक्सीन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक टीम द्वारा विकसित किया गया, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने किया। उनके शोध निष्कर्ष सेल प्रेस द्वारा आई साइंस जर्नल में प्रकाशित किए गए। अगला प्रश्न, कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? ए अदिति राव हैदरी, बी दीपिका पादुकोण, सी अनसुया सेंगुप्ता, डी उर्वशी रोतेला। आंसर सी अनसुया सेंगुप्ता। एक्सप्लेनेशन, अभिनेत्री अनसुया सेंगुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। वह कांस फिल्म फेस्टिवल में किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अनसुया सेंगुप्ता को बल्गेरियाई फिल्म निर्माता कॉन्स्टेंटिन बोजानोव द्वारा निर्देशित फिल्म शैमलेस में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। फिल्म शैमलेस एक सेक्स वर्कर की कहानी पर आधारित है, जो एक पुलिसकर्मी को चाकू मारकर दिल्ली के एक वेश्यालय से भाग जाती है। फिल्म संवेदनशील रूप से अस्तित्व और लचीलेपन की मानवीय कहानी को चित्रित करती है। अगला प्रश्न, 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित किया गया? ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। आंसर डी इंडोनेशिया। एक्सप्लेनेशन, 10वां विश्व जल मंच 18 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। इसका विषय साझा समृद्धि के लिए जल है। 10वां विश्व जल मंच एक अनूठा मंच प्रदान करता है, जहां जल समुदाय और प्रमुख निर्णयकर्ता सहयोग कर सकते हैं और वैश्विक जल चुनौतियों पर दीर्घकालिक प्रगति कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 1918 KSS शिराला जहाज के मलबे से प्राप्त दुर्लभ 10 रुपए के बैंक नोटों की नीलामी किस देश में होगी? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। आंसर बी यूनाइटेड किंगडम। एक्सप्लेनेशन, 1918 में लंदन से मुंबई जाते समय SS शिराला नाम का एक जहाज डूब गया था। इस जहाज पर जर्मनी की एक यू बोट सबमरीन ने टॉर्पीडो से हमला किया था। तब इस पर 213 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 7 भारतीय थे। SS शिराला जहाज से मिले 10 रुपए के दो भारतीय नोट पर 25 मई 1918 की डेट लिखी हुई है, जिसे उस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने छापा था। इन नोट्स को लंदन में नूनंस में फेयर नीलामी घर में ब्रिकी के लिए रखा जाएगा। इनके 260,000 रुपए तक में बिकने की संभावना जताई गई है। नीलामी 29 मई को होगी।